लहराया पगडंडी वाले। नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और हूं मैं आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से, और मेरे साथ में जो मैडम छोटी सी दिख रही हैं, इनका कद बहुत बड़ा है। आप हैं डॉक्टर सुभदा पांडे जी, जो कि असम सिलचर विश्वविद्यालय में रही और उत्तर विश्वविद्यालय में हिंदी की विभागाध्यक्ष है। मैडम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत हृदय के अंतकोरों से आपका धन्यवाद। और पुरानी शिक्षा की नगरी अलीगढ़ से मेरा ताल्लुका बहुत पुराना है, यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ और आपने मुझे ये समय दिया, आपका आभार। कविता पाठ करती हैं, गद्य पद्य में समानता के साथ में लेखनी करती हैं, इसके साथ में 3 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिख चुकी हैं जो छोटे बच्चों के विद्यालयों में कोर्स में शामिल है। धन्यवाद मनोज जी, जीवन के एक लंबे सफर तय करने के बाद जीवन में जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है वो आदमी को अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, सारी परिस्थितियों में जो समान रूप से रहकर आगे बढ़ता जाता है, मंजिलें उसका इंतजार है, तो आदमी को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और जिस राह पर वो चल रहा है उस राह से ये विश्वास रखे कि मंजिल उसके पास है। मैडम, मैंने आपका बड़ा लंबा चौड़ा परिचय तो करा दिया, यह भी बताना मैं भूल गया कि आपने 110 पंछियों के ऊपर उन पंछियों को देखकर ही कविता पाठ कर डाला था, तो क्यों ना श्रोता और दर्शकों को हम आपकी कविताओं से जोड़ें और उनको भी अमृत पान कराने का अवसर। धन्यवाद मनोज जी, बिल्कुल बेशक, और मेरा ये जो काव्य सृजन था वो विश्व रिकॉर्ड में अर्जित हुआ और विश्व के 110 पक्षियों पर, विभिन्न पक्षियों पर विभिन्न रचनाएं लिख करके मैंने एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया था और ये अब पुस्तकाकार भी हो चुकी है, इसका लोकार्पण बाकी है, वो भी होगा बेशक। पंक्ति याद आ रही है, सुनिएगा एक गीत के खेत में खड़ा। नदिया ही चली हरदम, नदिया ही चली हरदम, सागर तक आने को। क्या कह दिया, वाह 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 वाह। नदिया ही चली कह दिया, एक बार तो सागर को ये रस्म निभाने दो, इसी से सिलसिला शुरू होता है आगे का। मैम, आप बहुत ही शानदार वक्ता, लेखक और सौभाग्य की बात है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हैं, तो कुछ व्यक्तिगत सवाल मैं कर लूँ आपसे। निश्चित रूप से, कुशीनगर के तंपुही रोल शहर जिसको सेवरही भी कहते हैं, मेरी जन्मभूमि है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने पवित्र अंचल में अपना जन्म स्थान पा सकी, ईश्वर की कृपा है। आप जो भी सवाल करना चाहें आप बेशक पूछ सकते हैं। मैम, 1980 में लगभग आपका विवाह हुआ था, वो कौन महाशय थे जिन्होंने स्वयंवर के दौरान धनुष बाण को तोड़कर आपसे स्वयंवर बताया? जी हाँ, वो पौराणिक स्वयंवर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ हद तक वो स्वयंवर ही था, क्योंकि कुछ बातें थी खान पान को लेकर के, दही नहीं खाने की आदत को लेकर के, कि जिसको, जिस धनुष को मेरे पति ने तोड़ा और मुझे पा सके। प्रोफेसर नित्यानंद पांडे जो मेरे प्रातः स्मरणीय पतिदेव हैं, 1979 में मेरा विवाह 6 जुलाई को उनके साथ हुआ और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी सगारंगी बनी। मेरे काव्य सृजन को जो एक ठोस धरातल मिला वो विवाह के बाद ही, यानी जब मैं 19 साल की थी उसके बाद से मेरी कलम रुकी नहीं। मेरे भीतर का कवि तो 3 साल से ही तितली, फूल, बादल, आकाश, करुणा,
किसी का दर्द देख कर के रुकता था, पिघलता था, मोम हो जाता था, लेकिन उस पिघले हुए मोम को एक आकृति देने का काम निश्चित रूप से मेरे पति देव प्रोफेसर पांडे का रहा। साथियों, नागपुर महाराष्ट्र या कुशीनगर, उसके बाद राजस्थान बाड़मेर और फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये ताना माना बहुत ही टेढ़ा सीधा लग रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर यानी दर्शगाह पर आने का दर्शगाह पर आने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैडम से हमारी 2008 में मुलाकात हुई और इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोगों ने, शिक्षकों ने, वाइस चांसलर साहब ने, उस समय के रजिस्ट्रार साहब ने मुझे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक फ़ोटो प्रदर्शनी का मौका दिया और उस फोटो प्रदर्शनी को म्यूजियोलॉजी में मैंने लगाया, जिसको लगभग 32,000 छात्रों द्वारा सराहा गया। बहुत से छात्र छात्राएं वहां थे। हमने मैडम को वहां बुलाया था गेस्ट बनाकर। मैडम की जो कार्यशैली थी उसको देखकर मैं ही नहीं, मौजूद सभी अतिथि आश्चर्यचकित हो गए। 108 तस्वीरों की फ़ोटो प्रदर्शनी में मैडम ने चलते चलते सभी तस्वीरों पर पंक्तियां लिख डाली थी, जो पुस्तक के रूप में मेरे पास आज भी मौजूद है। आइए और बात करते हैं मैडम से। मैम, शिखर तक पहुंचना बहुत आसान है, एक सीमा तक पहुंचने के बाद, लेकिन क्या इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप जैसे वरिष्ठ जनों के, वरिष्ठ साहित्यकारों के मन में कोई पीड़ा, मोह, माया या कुछ इस तरीके की बात है जो अंदर टीस हो, जो बोल ना पा रही हो, तो आप अगर चाहें तो हमें साझा कर सकती हैं, जो समाज को संदेश दे सकते हैं? ये जीवन अनंत है, अनमोल है और आनंद है। इसको प्राप्त करना या जो प्राप्त हुआ है इसका आनंद लेना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है और लक्ष्य होना चाहिए। मैं युवकों को यही संदेश दूंगी कि जो भी चीज़ें जीवन में रुकावट डालें, प्रगति में रुकावट डालें, मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे आज हमारे युवक किस तरफ अधिक उन्मुख हो रहे हैं, जो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कृपया आप ऐसे चीज़ों से दूर रहें और आनंद का अवसर प्रदान करें दुनिया को भी और अपने आप को भी। रही बात एक रिक्ता प्रोफेसर पांडे के जाने के बाद अवश्य अनुभूत करती हूँ, लेकिन वो आनंद स्वरूप थे, उनका आनंद कहीं ना कहीं आके मुझ में इतना समा गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी दर्शक श्रोताओं को प्रणाम करते हुए मनोज अलीगढ़ जी को पुनः उनके अनेक अनछुए आयामों को छूने की शुभकामना दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुभदा पांडे जी ने लगभग 14 वर्ष पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जहाँ पर हमारी मैडम से मुलाकात हुई थी और आपने हमारी फ़ोटो प्रदर्शनी के दौरान हम में इतनी ऊर्जा भरी कि उस ऊर्जा के साथ में लगातार हम निरंतर प्रयास कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो युवा इस लाइन से जुड़े हुए हैं उन्हें भी सतर्क और आगाह कर रहे हैं कि आप जब मंजिलों की ओर आगे बढ़ रहा है तो बहुत से कांटे आएंगे। मैं प्रकृति की सहचरी हूँ और इन दिनों बसंत ऋतु का पत्र लेकर के सरसों खेतों में लहरा रहा है। मेरा एक सरसों गीत आप सभी को समर्पित है। स्वागत है आदरणीय। क्या बात है, वाह वाह वाह। सरसों लहराया पगडंडी वाले खेत में, सरसों लहराया पगडंडी वाले खेत में, धरती आई चेत में। वाह वाह, क्या बात है। धरती आई चेत में ना, रघुआ करने लगा जुताई। देखिएगा नायक और नायिका, वाह क्या बात है। ग्राम नायक और ग्राम नायिका। रघुआ करने लगा जुताई, रितवा रोटी लेकर आई। क्या कह दिया, वाह वाह वाह। रघुआ करने लगा जुताई, रितवा रोटी लेकर आई, दोनों आसमान में देखे इंद्र को देने लगे दुहाई, दोनों सुस्ताए
सुनिएगा कि दोनों सुस्ताए पीपल के नीचे रेत में, क्या बात है, धरती आई चेत में, सरसों लहराया पगडंडी वाले खेत में, धरती आई चेत में। अगला बंद स्वागत है आदमी की, देखिएगा कि एक ही सरसों के खेत से अलग अलग नायक क्या क्या करते हैं। स्वागत। कि क्वारी साग खोट कर खाए, क्वारी साग खोट कर खाए, बच्चे फूल नोच ले जाए, खोट कर खाए, बोल दिया मैडम ने, बच्ची बच्चे फूल नोच ले जाए। और दादी माँ के लिए वो फूल कि दादी माँ को आस दबाई, माँ को बेटी की विदाई, दादी माँ को आस दबाई, माँ को बेटी की विदाई, भाभी तेल पकोड़े, भाभी तेल पकोड़े, सोचे मन के ठेठ में, धरती आई खेत में, सरसों लहराया पगडंडी वाले खेत में, धरती आई चेत में। तीसरी कड़ी देखिएगा कि धरती की पीली अंगड़ाई, धरती की पीली अंगड़ाई, तोते की दाल न गलने पाई, धरती की पीली अंगड़ाई, तोते की दाल न गलने पाई, पछुआ चले बजीरी चाल, पछुआ चले बजीरी चाल, आग चूल्हे की है गरमाई, कैसे बात छिपाऊं। जब इतना सब कुछ हो गया तो कैसे बात छिपाऊं, कहो सखी अब पेट में। बसंत ऋतु में जो होता है वो हो गया उस नायिका को, और उस नायिका कहती है कैसे छुपाए इस बात, कैसे बात छिपाऊं, कहो सखी अब पेट में, धरती आई चेत में। देखिएगा किसान का पूरा जीवन कृषि पर आधारित होता है। एक किसान एक सरसों की फसल खड़ी करके कितना कुछ उम्मीद पाले हुए हैं पूरा परिवार। देखिएगा कि बेटी को देना है फीस, बेटी को देना है फीस, बेटी को देना है फीस, दादी दवा बनी है टीस, बेटी को देना है फीस, दादी दवा बनी है फीस, बेटे को नौकरी का घूस, बेटे को नौकरी का घूस, बीबी बीबी को मिक्सर की टीस, बीबी को मिक्सर की टीस, मन की व्यथा समाई, मन की व्यथा समाई, सरसों के ही पेट में, धरती आई चेत में, सरसों लहराया पगडंडी वाले खेत में, धरती आई चेत में, धरती आई चेत में। शानदार पंक्तियों के माध्यम से राजस्थान से आई डॉक्टर शुभदा पांडे ने एक कृषक का जीवन में एक फसल का क्या महत्व होता है, क्या सपने सजाए रहते हैं, बच्चों की फीस हो, बेटी की विदाई हो, या हो माँ की दवा, या सरकारी संस्थानों में घूस, क्या बात, तो ये एक फसल से अंकुरित होने के बाद फूल बीज और फिर उत्पाद, बहुत सी चीजें उस जमीन का सीना चीर कर उसमें से अंकुरित करा देते हैं वो बीज को, और किसानों की पीड़ा निरंतर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये डॉक्टर शुभदा पांडे ने अपने शब्दों में उनको उकेर कर आम जन तक रखने का प्रयास किया है और किसानों की पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किया है। मैडम, हम लोग आपका गीत सुनकर धन्य हो गए, उनको छोड़कर आगे बढ़े, समाज में देश में
पॉजिटिव कार्य करें जिससे हम समाज को नए आयाम दे सकें, नई ऊंचाई दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।